हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण के समय जब कोई तारा या प्लैनेट्स नहीं थे या नहीं बने थे, तब बिग बैंग होने के बाद ब्रह्मांड में केवल गैसेस और डार्क मैटर था जिसे हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि बिग बैंग के कितने समय बाद डार्क मैटर और गैस का निर्माण हुआ, या इन दोनों के मिलने के बाद सबसे पहला तारा या गैलेक्सी कौन सा रहा होगा। वास्तव में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ये जान पाएं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है क्या और ये ब्रह्मांड में कैसे काम करता है। देखा जाए तो ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ 5% ही है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का कुल 75% भाग डार्क एनर्जी यानी श्याम ऊर्जा से बना है तथा 20% भाग डार्क मैटर यानी श्याम पदार्थ से तथा शेष 5% साधारण पदार्थ से बना है। इस शेष 5% में हम, हमारा सौर मंडल तथा हमारी आकाशगंगा शामिल है। यदि हम आकाशगंगा को वैज्ञानिक भाषा में परिभाषित करें तो हम यह कह सकते हैं कि यह तारों का ऐसा समूह है जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी और डार्क मैटर के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिसमें अरबों तारे, प्लैनेट्स, उपग्रह, गैस, धूल, उल्कापिंड इत्यादि सम्मिलित हैं। हमारे ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त गैस और धूल के विशाल बादल भी होते हैं जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। आकाशगंगा का 98% भाग तारों से तथा शेष 2% भाग गैस एवं धूल से बना है। सबसे पहले बनने वाला तारा आकाशगंगा के सेंटर में रहता है। इसके बाद बनने वाले तारे उसके चारों तरफ आवरण में आते जाते हैं। सबसे पहले बनने वाला तारा मौलिक तत्वों से मिलकर बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद उसमें मौजूद उसका द्रव्यमान और उसकी गैसेज यह तय करती है कि उसका व्यवहार किस तरह का होगा। इसके समूह मिलकर बादल जैसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। ये छोटे क्लाउड्स लाखों वर्षों तक नए तारों का निर्माण करते हैं। उसके बाद वो बड़े क्लाउड्स में मर्ज हो जाते हैं। बड़े क्लाउड्स आकाशगंगा के केंद्र में समा जाने से पहले कई पीढ़ियों तक तारों का निर्माण करते रहते हैं। सभी छोटे और बड़े क्लाउड्स आकाशगंगा से ग्रेविटी और डार्क मैटर के द्वारा बंधे होते हैं। केंद्र में सबसे ज्यादा ग्रेविटी मौजूद होती है। सबसे पुराने तारे गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं और सबसे नए तारे सबसे बाहरी हिस्से में होते हैं। जो गैलेक्सीज जितनी पुरानी होती है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसे आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं और ऐसे करोड़ों से भी ज्यादा सौर मंडल मिलकर बनाते हैं एक आकाशगंगा। सौर मंडल के साथ साथ धूल के कणों और बहुत सारी गैसों का भी संयोजन रहता है। आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बल से पूर्णतः जुड़ा रहता है। कुछ आकाशगंगाएं स्पाइरल होती हैं तो कुछ इलेप्टिकल। हालांकि कुछ ऐसी आकाशगंगाएं भी हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है, यानी हम यह कह सकते हैं कि संरचनाओं के आधार पर गैलेक्सीज 3 प्रकार की होती हैं: स्पाइरल गैलेक्सी, इलेप्टिकल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सी। इलेप्टिकल गैलेक्सीज। ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात कुल आकाशगंगाओं में लगभग 20% आकाशगंगाएं इसी प्रकार की संरचना वाली हैं। इलेप्टिकल गैलेक्सीज को भी 8 भागों में विभाजित किया गया है, E0 से E7 तक, और यह स्केल यह निर्भर करता है कि वे कितने अंडाकार हैं। स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सीज का नाम इसके डिस्क जैसे आकार की वजह से मिला है। स्पाइरल गैलेक्सीज को 3 मुख्य प्रकार में विभाजित किया गया है जो उसके स्पाइरल आर्म्स पर निर्भर करता है, SA, SB और SC। ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात कुल आकाशगंगाओं में लगभग 70% आकाशगंगाएं इसी प्रकार की संरचना वाली हैं। स्पाइरल आकाशगंगाओं में बहुत अधिक गैस, धूल और नए तारों का निर्माण होता है, इसलिए ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक उज्ज्वल आकाशगंगाओं में से हैं। इरेगुलर गैलेक्सी। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, इस गैलेक्सी में कोई शेप नहीं होता। ये ब्रह्मांड की छोटी आकाशगंगाओं में से हैं, जो गैस और धूल से भरे हुए हैं। ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात कुल आकाशगंगाओं में लगभग 10% आकाशगंगाएं इसी प्रकार की संरचना वाली हैं। हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा का सदस्य है उसे मिल्की वे कहते हैं, और हमारा सौर मंडल
मिल्की वे के ओरियन शाखा में स्थित है। हमारा मिल्की वे स्पाइरल है, जिसमें तारों की संख्या लगभग 100 से 400 बिलियन है। इसके चपटे चक्र का व्यास यानी डायमीटर लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, लेकिन इसकी मोटाई केवल 1,000 प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा के चक्र की कोई सीमा नहीं है जिसके बाद तारे एकदम ना हो, बल्कि सीमा के पास तारों का घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है। देखा गया है कि केंद्र से 50,000 प्रकाश वर्ष की दूरी के बाद तारों का घनत्व तेजी से कम होने लगता है। चूंकि मानव आकाशगंगा के चक्र के भीतर स्थित है, इसलिए हम इसकी सही आकृति का अचूक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। हम पूरे आकाशगंगा के चक्र और इसकी भुजाओं को नहीं देख सकते। ब्रह्मांड में अधिकांश चीजें इतनी धीमी गति से होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में हमारे जैसे कितने ग्रह और आकाशगंगाएं मौजूद होंगी। और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, हो सकता है कि इन अनगिनत ग्रहों में से हजारों लाखों पर हमारे पृथ्वी जैसे ही करोड़ों ग्रह हों जहाँ पर जीवन भी मौजूद हो। आप में से कौन कौन इस बात से सहमत है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।